जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी, रविंद्र सिंह शेखावत। आज का ये वीडियो मैं एक विशेष काम के लिए बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे जुड़े लोग हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस लड़ाई को लेकर मैं लड़ रहा हूँ, क्या आप लोग चाहते हो कि वो लड़ाई हम जीतें, या कुछ लोगों का दिमाग ये हो गया हो कि बूट पॉलिश और झाड़ू पोछा करके नौकरी निकाल लें, क्योंकि काफी लोगों के फोन भी आते हैं कि आप तो रिटायर हो गए, हमें नौकरी करने दो। या तो सभी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि आप इसी तरह जीना चाहते हो, तो वो भी बता देना। और हो सकता है आज मेरी बातें आपको कड़वी लगें, तो पूरा वीडियो देखकर बाद में ही कुछ कमेंट्स करना या इसकी प्रतिक्रिया देना। बहुत से कड़वे शब्द मैं आज बोलूंगा, क्योंकि मेरे दिल में जो आज कुछ चुभन सी महसूस हुई है वो सारी चीजें मैं इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि आप सबको मैंने 2 या 3 बार आर्थिक सहायता के लिए जो कहा है उसी विषय में बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं जयपुर लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ना तो बीजेपी से ना कांग्रेस से, इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार के तौर पर 10 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करूंगा और ये चुनाव मैं 100% लड़ूंगा। आप लोग सहायता करें तो आपकी अच्छी बात है, नहीं करें तब भी मैं लड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारी जो आवाज है, ये जो सहायक सिस्टम बंद करने की, एमएसपी के जो भेदभाव हमारे साथ होते हैं, जो अलाउंस में भेदभाव हो रहे हैं, अर्धसैनिक बलों की जो हमारी पेंशन बंद है, उन चीजों के लिए जो मिशन तिरंगा की मेरी मांगे हैं, या मुझसे जुड़े हुए लोगों को सबको पता है कि हमारी क्या मांग है और किसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप सही में चाहते हो तो साथ दो, और नहीं देना चाहते हो, आपको आदत पड़ चुकी है कि नहीं हम तो बूट पुलिस में नौकरी निकालेंगे या झाड़ू पोछा में साइड में ही नौकरी निकालेंगे, तो वो जरूर फिर वो करते रहो, मेरे को जवाब दे दो। क्योंकि मैंने आर्थिक सहायता के लिए आपको अकाउंट नंबर दिया था, क्योंकि चुनाव में काफी खर्चा होता है, बैनर का, लोगों तक चुनाव चिन्ह पहुंचाने का। मैं एक चुनाव पहले लड़ चुका हूँ, 3 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने खर्चे पे। मैंने किसी से कोई डिमांड तो की नहीं, या किसी शख्स ने आज तक मुझे कोई पैसा दिया हो इस चीज़ के लिए, तो वो बता दो। इस चुनाव में मैंने आर्थिक सहायता मांगी थी, जिसके लिए मैंने अकाउंट नंबर दिया था, एक्सिस बैंक का, पीएनबी का भी दिया था, एसबीआई का, पेटीएम, सब कुछ दिया था। तो हमें शर्म महसूस होती है कि 2,70,000 लोग जुड़े हुए हैं और टोटली 3,000 रुपये के लगभग आए हैं हमारे पास। एक तरफ बहन जो वो कन्हैया कुमार, जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाला, जो भारत माता की जय नहीं बोलता, जिसने बोला था कि फौज बलात्कारी है, वो चुनाव लड़ रहा है। उसने लोगों से फंड की अपील की थी, 1 दिन में लाखों रुपए लोगों ने उसको दिया, क्योंकि वो जिन लोगों के लिए लड़ रहा है वो उसके साथ है। और हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो इतने गरीब भी नहीं है, फौजी आदमी। आज जो पेमेंट मिल रही है, अगर आप 1,000 या 500 रुपये कट करके देते हो तो किसी का इतना सब कुछ नहीं होता। रोज हम भी फौज में रहे हैं, जो हमारा खर्चा है, अगर छोटा सा खर्चे में से हम 500 या 1,000 रुपये निकाल कर दे देंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर मजबूती आ जाएगी। मैं मानता हूं कि 2,70,000 लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो 1-1 रुपये देते तब भी 2 लाख से ऊपर जाता। उनको छोड़ो, मेरे को पता है इस 2,70,000 में कुछ तो ऐसे उनके चमचे भी जुड़े हुए हैं जो हमारी खबर सुनकर अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं। अगर इसमें जुनून जुनून अगर इसमें सिर्फ 1,000 आदमी जुड़े होते और वो 1,000 आदमी भी 500 या 1,000 रुपए भेजते, तब भी हमारे पास 5 लाख से ऊपर फंड होता और हम आराम से चुनाव फाइट करते। लेकिन तुम्हारे तो, या तो सभी का मेंटेलिटी ये होगी कि जैसे फौज चल रही है चलने दो, जैसे झाड़ू पोछे में नौकरी निकल रही है निकलने दो, या तो आप लोग कह दो, फिर हम भी तकरीबन तकरीबन इस चीज को क्लोज कर देते हैं। या हमारी जो ये चुनाव प्रक्रिया है, ये सिर्फ हमने यहाँ से हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाए, इसके लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें आप लोगों को साथ देना ही होगा। मैं आज फिर इसमें अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, बार बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप पैसे भेजो, तो जरूर भेज देना कट करके, किसी भी तरह से 500, 1,000 या 2-4 लोग इकट्ठा होकर डाल दो, ताकि हम चुनाव के इस खर्चे में फाइट कर सकें। चुनाव के बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप सबको पता है, लोकसभा का चुनाव है, 8 विधानसभा इसमें आती हैं। सिर्फ घूमने फिरने में, हमारे को बैनर पोस्टर लगाने में, चुनाव चिन्ह पहुंचाने में ही खर्चा चाहिए।
अगर आप सब मिलकर थोड़ा थोड़ा दोगे तो मेरे अकेले भी बोझ नहीं पड़ेगा और हमारी बातें ऊपर तक चली भी जाएंगी। ये थी चुनाव से जुड़ी हुई बात। दूसरी, कम से कम पैसे नहीं भेज सकते हो तो जो मैंने दो चुनाव के लिए दो ही वीडियो डाले हैं वो 2000 से ऊपर नहीं गए। एक तो अभी 1200 या 1300 लोगों ने देखा है, एक 2000 या 2500 लोगों ने। यानी एक विधान जिसका हम चुनाव लड़ रहे हैं उसमें 16 लाख वोटर होते हैं और जो हमारे से जुड़े हैं, अरे तुम 2 लाख तक भी लोगों देख नहीं पा रहे हो। और देखने का मतलब क्या है? आपका मतलब है अगर उसमें एक आदमी ने देखा तो उसका फर्ज बनता है कि वो आगे कम से कम 100 तक उसको शेयर करें, तब हमारी बातें जाएंगी। बहुत से लोग तुम कहते हो सर बदलाव करो, ये करो वो करो, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है, मैं मानता हूं ओन सर्विस में जो है जवान वो किसी भी चीज में आगे नहीं आ सकते, लेकिन क्या 500 या 1000 रुपए कट करने में भी तुम्हारी वो जारी है? अभी किसी चीज का ऑर्डर होगा, कोई बड़ी अफसरों की पार्टी होगी, भाई ऑर्डर कट कराया जाएगा, तुम दे दोगे? हर महीने दुनिया भर का रेजिमेंट में जो कट होता है उसका हिसाब आज तक पूछा है किसने? कहाँ पैसा जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, कोई जैसे में इस पार्टी में या अफसर में इस पार्टियों में खर्च हो रहा है? कभी नहीं देखोगे। लेकिन आज तुम्हारा भाई तुमसे मांग रहा है तो ये हालत है तुम्हारी। या फिर तुम, एक उदाहरण देता हूं, तुम ये सोच रहे होगे कि यार इतने लोग जुड़े हुए हैं सब पैसा भेज देंगे तो उसके पास तो बहुत हो जाएगा। तो वो दूध, जैसे एक कहानी सुन रखी है ना दूध वाली, एक बाबा जी ने, कि एक कढ़ाई में दूध सुबह सब गांव वालों से कहता है कि एक एक गिलास दूध डाल देना, तो एक दो गांव वालों ने सोचा कि यार हम पानी दूध की जगह पानी डाल देंगे तो क्या पता चलेगा। तो इसी तरह सबने सोचा और सभी ने वहां पानी डाल दिया, एक बूंद दूध नहीं आई। तो वो मत सोचो कि वो भेज रहा है, इतने लोग भेज रहे हैं, मुझे पता है इतने जुड़े हुए लोगों में जुनून लोग जिनमें कुछ बदलाव की इच्छा होती है बहुत कम होते हैं, तो वो लोग आगे बढ़कर हमारी मदद करें ताकि हम अपने मकसदों को हल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को पहुंचाओ आगे लोगों तक। अरे जो आम पब्लिक जुड़ी हुई है, जो फौजी भाई हैं, उनको तो मैं कह रहा हूँ, उनको तो मैं चाहे कड़े शब्दों से कहूँ या पैसे कहूँ, जो सिविल पॉपुलेशन है, जो युवा जनरेशन है, उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग आर्थिक सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम इन चीजों को शेयर तो कर सकते हो। मैं मानता हूं आज देश में बस एक लहर चल रही है कि बस हम तो देश बचाओ मोदी को दे देंगे या कुछ लोग कांग्रेस को दे देंगे। अरे जो देश की जुनून प्रॉब्लम है, जो देश का जवान है जो अपने फाइट कर रहा है अपने लिए, अपने जवानों को न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए भी कुछ सोच लो। या तुम यूं ही चाहते हो कि आगे 5 साल तक भी हमारा जवान झाड़ू पोछे में लगे रहे, इनकी गुलामी करते रहे, ये देश अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है, तो इन चीजों के लिए इन पर भी ध्यान दे लो। आए दिन हमारे सैनिक आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं है। आप रिजल्ट उठाकर देखो कितने लोगों ने आत्महत्या की है, कितने लोग कितनी जल्दी सर्विस छोड़ना चाह रहे हैं। ये अंदरूनी जो बातें हैं ये जब सुधरेंगी, जब हमारे में से कोई जवान ऊपर जाएगा और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सिविल पॉपुलेशन से मैं कहना चाहता हूँ, जो सिविल हैं, जो युवा साथी हैं, आप लोग मदद कर सकते हो, आर्थिक तो करो नहीं तो कम से कम शेयर तो कर दो इस चीज को। और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो बहुत पहले के रिटायर्ड हैं, वो तो अफसर को भगवान मानते हैं, वो तो अफसर के खिलाफ सुनना नहीं चाहते, वो आज भी उसी भगवान का गुण गा रहे हैं कि वो ही हमें पेंशन दिला रहे हैं। वो तो काफी लोग मुझे भी फोन करते हैं, कुछ प्रेशर भी आता है कि तेरी पेंशन बंद करा देंगे, वो करा देंगे, उसके बावजूद भी मैं लड़ रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये दो हाथ अभी तक सलामत है, पेंशन बंद हो जाएगी तब भी मैं कमा के भी खा सकता हूँ, लड़ाई भी लड़ सकता हूँ, मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब ऐसे मुद्दे में हमें चुनाव लड़ने का हो या कोई धरना प्रदर्शन हो, ऐसे चीज में आप सहायता नहीं करोगे तो उसमें अकेले लड़ने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा, वोट मैं चाहता हूं कि हमारे जो सैनिक ऑन ड्यूटी है आप लोगों के पास कुछ दिन पहले ही चला जाएगा बैलेट पेपर, चुनाव चिन्ह मेरे को 19 तारीख को मिल जाएगा, उसको कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा उन भाइयों तक जरूर पहुंचाना, चाहे कोई लेह लद्दाख में बैठा हो, चाहे कारगिल में, चाहे आसाम में, कहीं भी लास्ट में वो चुनाव चिन्ह लेकर वहां मोहर लगा कर जरूर भेजना। हमें कम से कम यह आशा हो कि हमारे बाहर के जो वोट हैं, 1000 वोट या 1500 2000 जो भी वोट है फौजी भाइयों के आए, तो हमें ये तो विश्वास है कितना लोग बदलना चाहते हैं। नहीं तो बहुत से लोग फोन करते हैं कि सर रहने दो, उनको वोट पॉलिश में आदत है, हमने सर्विस करते हुए भी देखा है कि इंतजार करते हैं कि वो कंपनी कमांडर का सहायक जा रहा है तो मैं उसकी जगह चले जाऊँ, कोई सीईओ के सहायक की चले जाऊँ। बहुत से लोग उसी में नौकरी करते हैं क्योंकि उनसे ग्राउंड में नौकरी नहीं होना चाहते। तो अगर आप सभी लोगों की इच्छा है तो वो कह देना। मैं मेरे तरीके से ये लड़ाई जब तक मेरी सांस है जारी रखूंगा,
चुनाव प्रक्रिया की जगह चुनाव भी लड़े जाएंगे, धरने की जगह धरने भी दिए जाएंगे। इस तरह आगे हम संगठन बनाकर और हमारी आवाज भी उठाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हर प्रकार से हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अंग्रेज जिनका किसी को वो नहीं था कि वो चले जाएंगे, वो भी गए हैं। बुराई का अंत निश्चित है और वो होकर रहेगा। अंग्रेजों के काले कानून खत्म होंगे, अफसरों के जो ये सहायक सिस्टम ये यूज कर रहे हैं हमारे जवानों को, वो बंद होगा ही होगा। समय जरूर लगेगा, आप लोग साथ दोगे। अगर ये चुनाव में फाइट करता हूँ, चुनाव जीतता हूँ, तो 6 महीने के अंदर, चाहे जर्नल से लगाकर कर्नल ये कितने भी जोर लगा लो, 6 महीने के अंदर आप लोगों की आवाज उस संसद में उठाकर बंद नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदली कर देना, या फिर मेरे को इंडिया गेट पर फांसी दे देना अगर बदली ना हो तो। वादा करता हूँ संसद में पहुंच गया तो ये चाहे किसी भी पार्टी जीतो, चाहे बीजेपी जीतो, कांग्रेस जीतो, लेकिन मैं अकेला ही संसद में पहुंचकर ये जो हमारे मकसद है वो हल करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी जरूरत मुझे आप लोगों की है, मदद करो, आर्थिक सहायता, और लोगों तक इसको भेजो। अरे कम से कम 2 लाख जुड़े हुए हैं, 2-4 लाख, 5 लाख तक तो जयपुर तक सूचना तो भेजो। वोट तो लोग अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन कम से कम आप इसको भेजो डाउनलोड करके। वैसे आप फिल्मों के गाने, हीरोइनों के गाने, पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करके भेज देते हो, उल्टे सीधे वीडियो भेज देते हो, इन चीज़ों को डाउनलोड करके भेजो। या मैं, मेरे जो नंबर आप लोगों के पास है, आप व्हाट्सएप नंबर से मांगो, मैं अपने जो भी वीडियो है, जो अपनी बातें हैं, आप लोग तक भेजूंगा ताकि आप जनता तक भेज सको। और इस चुनाव प्रक्रिया में फिर मैं क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को कोई कड़वा बोल दिया हो तो, लेकिन वो शब्द मेरे इसलिए निकले कि एक साला जो दो दो कोटी के लोग सहायता मांगते हैं इन पार्टियों को, बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े नेता चंदा मांगते हैं, उनको दे देते हैं, लेकिन हमारा जैसा जुनून, मैं कोई, सबको पता है कि मैं आम एक किसान बेटा, किसान का बेटा हूँ। मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, दादाजी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, और अभी हम यहाँ घर पे अपने रिटायर होने के बाद खेती करते हैं। टाटा बिरला नहीं है, बस ये सीने में दिल है और राजा महाराजाओं का है। अपने लिए कभी किसी से एक रुपया भी मांगा नहीं, यहाँ तक कि जहाँ जरूरत पड़ती है हर जगह डोनेशन देता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है, और उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये बड़ा चुनाव है, बड़े लेवल पर फाइट चल रही है, असेंबली इतनी बड़ी है कि वहाँ तक लोगों तक चुनाव चिन्ह को पहुँचाने में, कड़ी से कड़ी जोड़ने में भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, तब भी कम से कम 10-15 लाख रुपए का खर्चा लगता है, वो मैं पहले झेल चुका हूँ अकेला। अब आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ध्यान देना, कोशिश करना, शेयर करना, और पैसे दे सकते हो तो देना। ये सोच लेना आप लोगों की एक दिन का एक छोटा सा खर्चा है, 500-1000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, और बाकी तो आप लोगों की इच्छा है। एक जैसे कल परसों एक भाई साहब, अमरजीत क्या नाम है, कमेंट्स कर रहे थे, कुछ करते तो हो नहीं हो, हमारा टोल टैक्स माफ नहीं हो रहा पूर्व सैनिकों का। अरे जब या तो पहुंचाओगे जब हल होंगे, या तुम सिर्फ टोल टैक्स बैठ के हुए हो। बहन जो बोलते ना, अगर अभी मैं एक वीडियो डाल दूंगा आपकी सैलरी बड़ी है, आपके टोल टैक्स माफ हो गए, उसको ऐसे फल्ला करके पहुंचो शेयर कर दोगे कि बहुत बड़ा, बस तो तनख्वाह पर मत जियो। तनख्वाह आज भारत सरकार ने बहुत अच्छी कर रखी है, फैसिलिटी लगभग लगभग अच्छी कर रखी है। हमारी सिर्फ लड़ाई है हमारे सम्मान की, हक की। अगर सही तुम भी यही सोचते हो तो, या फिर मैं गलत सोचता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पैसा जो मिल रहा है वो काफी है, हमें फैसिलिटी मिल रही है वो भी काफी है, सिर्फ हमें परेशानी है इन अधिकारियों की तानाशाही की। ये जो हमें गुलाम समझते हैं, ये हमारे भाइयों को जो बूट पॉलिश करवा रहे हैं घरों में, उस वजह से वो बदनामी हमारे दिमाग में यहाँ तक खटकती है और हम उसको बंद करने में लगे हुए हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।